No. सात अक्टूबर 2023 से इसराइल और हमास के बीच भीषण जंग चल रही है, लेकिन जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ी वैसे वैसे इजरायली सेना गाजा के भीतर कमजोर पड़ती गई। लेकिन 27 जुलाई 2024 को इसराइल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हिजबुल्ला के रॉकेट हमले में उत्तरी इसराइल के मजदल शम्स इलाके में 12 मासूमों की जान चली गई, जबकि इस हमले में 44 लोग घायल भी हुए थे। इस हमले का इतना बड़ा असर हुआ कि पीएम नेतन्याहू अपना अमेरिकी दौरा बीच में ही छोड़कर वापस इसराइल चले आए, और तब से इसराइल एक घायल शेर की तरह घूम रहा था। लेकिन अब उसने हिजबुल्ला, हमास और ईरान को एक ही वार में बहुत बड़ा झटका दिया है। पहले 30 जुलाई 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। यह हमला हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुकर के ऊपर हुआ, और इस हमले के तुरंत बाद ईरान से लेकर हिजबुल्ला और हमास का सारा फोकस इस हमले पर चला गया। और इसराइल की यही रणनीति थी कि हिजबुल्ला, हमास और ईरान उसके इस बिछाए जाल में फंस जाएं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और इधर सारा ध्यान बेरूत पर था, और उधर ईरान की राजधानी तेहरान में एक बहुत बड़ा कांड हो गया जिसके बारे में ना तो हमास ने कभी सोचा था और ना ही ईरान ने। जी हाँ, तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिये के घर के ऊपर एक बहुत बड़ा हवाई हमला हुआ है जिसमें उनकी मौत हो गई है। ईरानी सरकार और हमास ने हानिये की मौत की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि इस हमले में उनका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। हानिये की मौत को लेकर ईरानी सेना यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि फिलिस्तीनी इस्लामी राष्ट्र तथा प्रतिरोधी मोर्चे के लड़ाकों और ईरान के महान राष्ट्र के प्रति संवेदना के साथ आज सुबह तेहरान में इस्लामिक प्रतिरोध हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हानिये के घर पर हमला किया गया, और इस घटना के बाद वो और उनका एक बॉडीगार्ड शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ हानिये की मौत पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन यानी पीएफएलपी के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिसर माहिर अल ताहिर ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इसराइल सभी लाल रेखाओं को पार कर रहा है और प्रतिरोध की पूरी धुरी के साथ व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रहा है। प्रतिरोध की धुरी इसराइल से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और मैं देख रहा हूं कि टकराव को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने की दिशा में चीजें विकसित हो रही हैं। इसराइल ने इस्माइल हानिये की हत्या करके और ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन करके एक बड़ी गलती कर दी है जिसका उसे पछतावा होगा। शहीद इस्माइल हानिये की हत्या अमेरिकी सुरक्षा के बिना नहीं की जा सकती थी। आपको बता दें कि हमास के मुखिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे जब उन्हें आखिरी बार कैमरे पर देखा गया था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी ने भी उनकी हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि ईरानी मीडिया और हमास इस हमले का आरोप इसराइल पर लगा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के परिसर पर 1 अप्रैल 2024 को एक हवाई हमला हुआ था। इस हमले में ईरान की कुछ फोर्स के लेबनान में प्रमुख मोहम्मद रेजा जाहेदी और उनके डिप्टी की मौत हो गई थी। उस वक्त भी इस हमले का आरोप इसराइल पर लगा था, हालांकि इसराइल ने कभी भी इस हमले की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नहीं ली। और इसके बाद ईरान ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था।